खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां प्रेम प्रसंग में युवती को गोली मारी गई है। नजदीक से गोली मारने से युवती की मौके पर ही मौत हो गई और मौसी की लड़की के साथ घर जा रही थी युवती। आपको बता दें कि साक्षी गुप्ता की हत्या कर युवक ने भी सुसाइड कर लिया। इस पूरी घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं ग्वालियर से हमारे संभागीय हेड इमरान खान के साथ। इमरान बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए अपना कल यानी कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को मुरार इलाके के में बैजाताल कोठी के पास करीब रात 10 बजे के आसपास हमलावर एक युवक हमलावर ने युवती को गोली मार दी थी जिससे उसके सिर में लगी हुई थी। युवती को मौके पर ही मौत हो गई थी। युवती अपनी 12 साल की बहन के साथ सब्जी लेकर घर लौट रही थी। युवती की 4 अप्रैल को ही बहुत ही सीपी से सगाई तय हुई और 21 जून को उसकी शादी होने वाली थी। तो पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है और भावना इस मामले में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं जो अभी तक सूत्रों ने करी आ रही है कि अभी तक जैसे कि आरोपी गिरिराज कटार इसका मुख्य जो आप प्रेमी मतलब प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है और साक्षी की सगाई होने के बाद से वो नाराज था, वह उससे शादी करना चाहता था लेकिन साक्षी को उसके परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस बल मौजूद था और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी रात में ही निकाले गए थे और जांच पड़ताल शुरू की गई थी। लेकिन सुबह करीब 7 और 8 बजे इसी क्रम में एक नया मोड़ सामने आता है जिस युवती को गोली मारी थी वो आरोपी गिरिराज कटारे की लाश ग्वालियर के मंदिर थाना अंतर्गत सुबह एक दो मतलब एक 12 बोर का कट्टा और एक स्प्लेंडर बाइक के साथ पड़ी मिली। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो अभी तक सामने निकल कर आया है वो पूरा प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है और अभी तक जो खुलासा इस मामले में पूरा निकला है भावना जैसे कि युवती की अभी 4 अप्रैल को सगाई थी, 21 जून को शादी होने वाली थी और ये जो गिरिराज कटारे था ये तरफा प्रेम करता था तो कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास में था कि युवती से मैं शादी कर लूँ। जैसे कि आरोपी गिरिराज कटारे की भाभी ने बताया है कि 2-3 दिन से गिरिराज परेशान था, वह कह रहा था कि यदि साक्षी ने शादी ना मना किया तो मैं उसको देखता हूँ। दिन में गिरिराज की साक्षी से फोन पर बात भी हुई थी भावना, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरिराज शाम को 7 बजे ही घटना स्थल पर पहुंच गया था और वहाँ साक्षी का इंतजार कर रहा था और उसको जैसे ही ये खबर लगी कि साक्षी यहाँ से निकलने वाली है वो बिल्कुल उसी प्राग में था कि साक्षी को आज वो साक्षी पर हमला करना है। और जैसे ही साक्षी अपनी मौसी की छोटी सी बेटी 7-8 साल की बेटी के साथ वहाँ से निकली यानी कि साक्षी की बहन अपने साथ सब्जी लेकर निकली तो गिरिराज कटारे ने मौका देख और वहां पर उसको गोली मार दी जिससे युवती के सिर में गोली लगी और साक्षी की मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक जो मामला पूरा निकल कर आया मामला प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आया जी। लेकिन ये एक आपने कहा कि सगाई पहले हो चुकी थी तो क्या सगाई के वक्त हत्यारे ने किसी तरह का कोई दबाव इसके परिजनों पे नहीं बनाया जिससे उन्हें पता नहीं चला इसका? बिल्कुल भावना देखिए जैसे कि गिरिराज कटारे जो था वो लगातार प्रयास कर रहा था कि मैं साक्षी से शादी करूंगा। उसने घर वालों को भी पहले बोला था कि साक्षी से मेरी सगाई करा दो शादी करा दो लेकिन ना तो साक्षी इस बात के लिए तैयार थी कि मैं गिरिराज कटारे से शादी करूँ और ना साक्षी के परिजन इस बात से तैयार थे कि मैं इससे शादी करूँ और इसी को लेकर वो पिछले 3-4 दिन से डिप्रेशन में आ गया था और लगातार वो इतना परेशान था वो साक्षी की प्राग में था ये मेरे को अकेली कम मिले और उसको कल जैसे ही मौका मिला तो उसने मौका पाकर और साक्षी को गोली मारी और गोली मारने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद खुद गिरिराज कटारे ने आज सुबह उसकी जब पुलिस ने पूरी रात जांच पड़ताल की तो वो नहीं मिला लेकिन गोला मंदिर थाना अंतर्गत उसकी सुबह 7 से 8 बजे उसकी डेड बॉडी वहां से मिलती है पड़ी हुई और उसके पास में एक कट्टा और स्प्लेंडर। तो पुलिस का यह मानना है कि कहीं ना कहीं साक्षी को गोली मारने के बाद उसने खुद ने सुसाइड किया। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं की है कि सुसाइड है या कुछ और है लेकिन जो खबर सूत्रों से आ रही है वो यही है कि सुसाइड सबसे पहले उसको बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूरा मामले की जांच पड़ताल के बाद ही इस मामले में पुलिस अपनी पुष्टि करेगी गिरिराज कटारे ने सुसाइड किया लेकिन प्रथम दृष्टा जो बताया जा रहा है वो सुसाइड का मामला बताया है। इससे पहले अपना लगातार प्रेम प्रसंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला एक युवक के शादी सगाई होने के बाद एक युवती नाराज थी उसने भी गए उसके युवक के बाहर जाकर केरोसिन डालकर अपने आप को आग लगा ली थी और उसकी मौत हो गई। लगातार प्रेम प्रसंग के मामला कहीं ना कहीं ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जिससे लगातार युवक युवती जो है वो कहीं चाहे युवक हो चाहे युवती हो वो कहीं एक दूसरे के प्यार में इतने घुल मिल जाते हैं कि और लास्ट में जब उनको
धोखा है, अब एक कहना उतना ही होगा कि शादी में उससे प्यार करती थी या नहीं करती थी, लेकिन जो गिरिराज कटारे वो उससे कहीं ना कहीं प्यार करता था, उसने उसको भी गोली मारी, उसको गोली के मारने के बाद अपने आप को गोली मारी और दोनों की लीलाओं को समाप्त कर दिया। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान। तो ग्वालियर से उस वक्त की बड़ी खबर थी जहां प्रेम प्रसंग में युवती को गोली मारी गई और युवती को गोली मारने के बाद युवक ने खुद अपनी जान दी।